तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग गाइस खेलने जा रहे हैं ड्रैगन मानिया लेजेंड्स वापिस से, और भाई साहब डीएमएल में एक और हम लोग एक नए एपिक ड्रैगन को हैच करने वाले हैं, जिसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है एकेडमिक ड्रैगन। जैसे कि वो मेरे हैचरी में आप लोग देख सकते हो। तो भाई चलो यार, इसे बिना देरी किए हैच करते हैं। तो इसके स्टैट्स के बारे में बात की जाए, इसका अटैक लेवल थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा, 61 है, बट इसका हेल्थ लेवल बहुत ज्यादा है, 220 है। तो भाई यहाँ पे आप लोग के एलिमेंट्स देख सकते हो और कैसा दिखने में वो भी देख सकते हो हमारा एकेडमिक ड्रैगन। बाकी उसके एलिमेंट्स की बात की जाए, उसके पास है अर्थ, प्लांट और विंड। तो वैसे ठीक ठाक है, एपिक ड्रैगन के हिसाब से सही है। तो चलो यार, इसे बिना देरी किए हम लोग इसे फीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसके स्टैट्स देख सकते हो, मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अभी बिना देरी किए इसे तो हैबिटेट में हमने प्लेस कर दिया, अभी इसे फीड करने जा रहे हैं। चलो भाई फीड करते हैं, 27 लेवल का बनाएंगे। वैसे अभी ज़्यादा फूड नहीं है मेरे पास, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले ही भाई मैंने अपने कुछ ड्रैगन्स को फीड बहुत ज़्यादा फीड किया था भाई, 8 या 9 मिलियन तो फूड था मेरे पास, सारा का सारा खर्च, और अभी 2 मिलियन बचा है। तो गाइस ये 25 का हो गया, 27 का करते हैं। हाँ भाई लोग, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, मज़ा आने वाले वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल रेडर प्लेस को, ज़रूर से सब्सक्राइब दबा दो, सब्सक्राइब करो यार। देखो भाई, आप लोग देखते हो बहुत ज़्यादा परसेंटेज, मतलब जितने मेरे वीडियोस में व्यूज़ आते हैं उनमें से ज़्यादा लोग ये क्या करते हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं करते। यार कर दो यार सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ऑल कर दो। तो चलो गाइस, जिसे हमने 27 लेवल का कर दिया है, अभी हम इसे ट्रेनिंग करवाते हैं, परफेक्ट ट्रेनिंग करवाएंगे विथ ऑटो ट्रेनिंग, ठीक है, ऑटो ट्रेनिंग ही करवाएंगे। और 1400 इसके अटैक बेस डैमेज में प्लस हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा एरिना वगैरह खेलेंगे, वैसे भी हम लोग 107 लेवल के हो चुके हैं, और मेरा अवतार भी मैंने चेंज कर दिया है, मैंने अपने लेमुलिन ड्रैगन को रख दिया है। बाकी गाइस मैं एक और चीज़ बताऊँ ना भाई, मैंने अपने लेमुलिन ड्रैगन को पिंक स्टार कर दिया है। तो भाई साहब मैं उसका एक बार परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। असल में मेरा लेमुलिन ड्रैगन अभी एकेडमी में है। तो गाइस 30 जेम्स से आई थिंक मुझे स्किप करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ गया हमारा लेमुलिन ड्रैगन? माय ड्रैगन्स में अगर मैं जाऊँ ना, यहाँ पे आप लोग मेरे ड्रैगन्स देख सकते हो, मेरे पास टोटल 16 से 17 या फिर 18 लेजेंडरी ड्रैगन्स है, और बाकी बहुत सारे एपिक ड्रैगन्स है, और बाकी जितने भी ड्रैगन्स हैं आप लोग देख सकते हो। वो मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऊपर आने में। तो वैसे बनाना को भी भाई पार करके मेरा जो लेमुलिन ड्रैगन है, नहीं मतलब बनाना से एक रैंक पीछे है। तो और मेरे बनाना के आगे हार्पी, और सबसे आगे मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन अभी के लिए कोलियाडा ड्रैगन है। उसका हेल्थ लेवल, डैमेज लेवल मेरे जितने भी ड्रैगन्स हैं सब भी से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 429 मिलियन, मतलब सोच पा रहे हो भाई। तो मुझे आगे जाके मुझे लगता है कि भाई मेरा लेमुलिन ड्रैगन टॉप 1 पर आ जाएगा, सेकंड पर भी आ जाए अच्छा होगा। वैसे अभी के लिए मैंने भाई 4 स्टार ही किया है अपने लेमुलिन ड्रैगन को, मैं पिंक स्टार गलती से बोल रहा था, 4 स्टार किया है ना। तो भाई ट्राई करेंगे, तो देखते कैसे मारता है ये। 70 लेवल के हैं, ठीक है, सामने वाले डबल पिंक स्टार एक शॉट में भाई साहब 5 बिलियन का डैमेज। और यहाँ पे हम देखो भाई, कोलियाडा भी नहीं मार पा रहा है वैसे भाई साहब। अब यहाँ पे देखते हैं करंट मारते हैं, चलो करंट मारे क्या भाई, दोनों ही 70 लेवल के हैं। होमाला ड्रैगन है और ये कौन सा ड्रैगन है पता नहीं, इसे भी मार दिया भाई साहब 5.43 बिलियन, मतलब इसका जो एंसेंट का जो हमला है ना, जितना मारोगे उसका आपका अटैक लेवल बढ़ता ही जाएगा भाई साहब। तीनों को ही इस ड्रैगन ने मार दिया, मतलब लेमुलिन ड्रैगन ने तीनों ड्रैगन को मार दिया भाई साहब, मज़ा ही आ गया। चलो भाई अभी के लिए हम लोग थोड़े से क्वेस्ट लेते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग बैटल करने के लिए चलेंगे। और यहाँ पे सारे के सारे क्वेस्ट मेरे कंप्लीट है। चलो 3 जेम्स भी मिल गए, वैसे मैं जेम्स कलेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे 2500 जेम्स चाहिए है अपने हैचरी को अपग्रेड करने के लिए, जिससे अगर मैं अपग्रेड करूँगा ना भाई, मेरे हैचरी में 5 ड्रैगन आ सकते हैं, 5 ड्रैगन्स के एग आ सकते हैं। और बाकी कुछ महीनों पहले भाई तुम्हारा भाई क्लैन का कभी भी मतलब MVP नहीं बन पा रहा था, अभी के जितने भी इवेंट्स है तुम्हारा भाई ये MVP बन रहा है। तो चलो भाई, अब आजकल थोड़ा सा प्रोग्रेस वगैरह कर रहा हूँ मैं,
तो चलो भाई अभी के लिए हम लोग बैटल में आ चुके, जो बैटल खेलते हैं वही खेलेंगे क्योंकि एवरेज डैमेज वगैरह सब कुछ इसका देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले बैटल से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे भाई, कहाँ गया हमारा एकेडमिक ड्रैगन, ये रहा। और सेकंड नंबर पर हम लोग एक अच्छा सा ड्रैगन लेंगे। चलो भाई मैंने ये मार्शमेलो ड्रैगन ले लिया मोटा सा। और थर्ड नंबर पर मैं ले लूँगा, कौन सा लेना चाहिए भाई, ब्रॉन्ज ड्रैगन, हाँ सही होगा। एक अच्छी सी टीम मैंने बना ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लांट है, इसके पास अर्थ है और विंड है, तो मैं प्लांट से सबसे पहले ट्राई करूँगा। तो 9.2k का डैमेज दे रहा है। देखो भाई इससे उतना डैमेज एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये 10k का देगा, 9.5k का देगा। इसका अटैक लेवल बहुत ज़्यादा लो है, 61 है, मतलब लो में काउंट होता है वो। तो भाई 62 के ऊपर नॉर्मल होता है। तो भाई मैं बोलता हूँ कि ये इतना डैमेज डील नहीं कर सकता, बट मैं सबसे बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन इसका बताने का ट्राई करूँगा। तो चलो यार इसके बेस्ट एलिमेंट की बात की जाए, इसके पास 3 एलिमेंट है। एक एलिमेंट इसका सबसे यूजलेस होने वाला है, मैं बोल देता हूँ भाई, अर्थ बिल्कुल भी बिल्कुल एकदम यूजलेस होने वाला है इस ड्रैगन पर। अगर इसके पास 2 एलिमेंट सपोर्टर के होते तो भाई ये सपोर्टर होता, बहुत कमाल का सपोर्टर होता, क्योंकि इसका हेल्थ लेवल 220 होता। तो भाई इसका हेल्थ लेवल 220 है, बट क्या है भाई, देखो ये एक अटैकर है, तो इसे सपोर्टर बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई इसका प्लांट ऑलवेज बेस्ट एलिमेंट होगा। तो भाई इसके बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो भाई इसका हेल्थ लेवल ज़्यादा है, और हेल्थ लेवल ज़्यादा होता है तो भाई प्यूरिटी यूज़ करना चाहिए। प्यूरिटी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे कि भाई इसे डैमेज बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसका हेल्थ लेवल बहुत ज़्यादा है, और जितना इस ड्रैगन का हेल्थ फुल रहेगा बैटल करते टाइम उतना इसे डैमेज बूस्ट मिलेगा। तो भाई प्योरिटी के साथ आप लोगों को एक और स्किल यूज़ करना है। देखो भाई डेयर डेविल बिल्कुल भी मत यूज़ करना, विच क्राफ्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, विच क्राफ्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो, और भाई साहब आप लोग यूज़ कर सकते हो एक्सेप्टांस। अगर आपके टीम में ना एक डिवाइन है तो भाई डिवाइन, अगर आप सेल्फ डिवाइन करवाते हो अपने डिवाइन ड्रैगन से, अगर आपका डिवाइन ड्रैगन एक सपोर्टर है, एक सपोर्टर डिवाइन ड्रैगन है आपकी टीम में, आप लोगों को एक्सेप्टांस के साथ प्योरिटी लेना है। या फिर भाई आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है जो आपको पसंद आया, आप इसे एज अ सपोर्टर यूज़ कर सकते हो भाई। अर्थ खुद पर करके मतलब शील्ड कर सकते हो अर्थ से, उसके लिए बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेंस और वंडर से बेटर कुछ नहीं हो सकता। सपोर्टर के लिए ये स्किल कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आपको भाई अटैकर एज अ अटैकर इसके साथ खेलना है तो आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा प्यूरिटी और एक्सेप्टेंस, या फिर एक्सेप्टेंस की जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो विच क्राफ्ट, जिससे कि इसका जो प्लांट अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी इस सिगिल कम्बिनेशन के साथ ही अच्छा डैमेज भी देगा। और हाँ एक और चीज़ आप लोग नोट कर लो कि भाई आपके पास अगर कोई डिवाइन ड्रैगन है, मतलब एक सपोर्टर डिवाइन ड्रैगन है, तो आप लोग ऑब्वियसली भाई विच क्राफ्ट की जगह एक्सेप्टेंस यूज़ कर सकते हो। तो यार ये एरिना के लिए भी बना है, डूनियन के लिए भी ये बना है, डूनियन में थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।